अहमद रज़ा मानी का इस शहर से, इसी इलाके से पहले 2 दफ़ा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, 2002 में भी और 2018 में भी। इस वक्त वो नून लीग के यहाँ कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और तगड़े उम्मीदवार हैं, तगड़ा मुकाबला है, तगड़ी पोजीशन है इनकी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इनसे सियासी सूरत हाल पर भी सवाल करेंगे, और एक ख़ास मकसद है जिसके लिए मैंने इन्हें मज़ार के करीब बिठाना चाहा, आज के यहाँ बैठे और यहीं बात करें उसके ऊपर भी बात करेंगे। मानिका साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी थैंक यू जी। पहले तो आप अपने इंतखाबात के हवाले से बताइए, आप इस इलाके के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर लगते हैं। मैं जिस सड़कों से गुजर कर आया हूँ ठीक ठाक आपकी प्रेजेंस है, पोस्टर्स में, बैनर्स में सपोर्ट मौजूद है आपकी। नदीम साहब शुक्रिया बहुत आपने मौका दिया। मैंने 2002 से 2007 में भी मैं MNA रहा हूँ और उस टेन्योर में हमारे जितने मेगा प्रोजेक्ट्स थे मेरे पाकपटन में वो मैंने दिए। सबसे बड़ा सुई गैस पाकपटन को मैंने दिया और उसके बाद रोड्स, मेटल रोड्स, वाटर डिस्टिलेशन प्लांट थे और फार्म टू मार्केट रोड्स थी। तो एक खिदमत की है लोगों की हमने उस 5 साल के अंदर। तो उसके बाद दूसरा मौका हमें मिला है जब ये 2018 में दूसरी नून लीग की गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें PTI की गवर्नमेंट जीत गई थी तो मैं ऑपोजिशन में आ गया था। उसमें पहले 4 साल PTI के गुजरे जो कि जिस तरह गुजरे हैं, जिस क्योस में इस मुल्क में गुजरे हैं वो तो मेरा ख्याल है हर आदमी जानता है। हमें तो आखिरी जो जब नो कॉन्फिडेंस हो गया इमरान खान के ख़िलाफ़ तो आखिरी जो 16 महीने का टाइम था, 1.25 साल 1.5 साल वाला, वो हमें मिला है यहाँ पे। उसमें भी जितनी हम खिदमत कर सके हैं, हमें फ़ंड्स दिए मियाँ शहबाज शरीफ ने, उस पर भी हमने खिदमत की है। अच्छा मैं जिस रास्ते से आया हूँ, ये 2018 के इंतखाबात में जब मैं यहाँ आया था तो सिंगल रोड थी, अब मैं आया हूँ तो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। आई थिंक के डबल रोड किया जा रहा है उसको या ड्यूल कैरेज वे बनाया जा रहा है, कुछ उसकी वजाहत करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हमारी ही गवर्नमेंट के अंदर ये 3 सड़कें बड़ी हैं जो बनाई गई हैं, मियाँ शहबाज शरीफ ने दी थी ये सड़कें। ये पाकपटन से साईवाल की एक रोड है, पाकपटन से एक कमीर चौक की एक रोड है वो जाती है, और एक पाकपटन से होता चौक जाती है। ये सारी बड़ी रोड्स हैं जो कि मियाँ शहबाज शरीफ ने दी हैं। जी इस इलाके में अगर दोबारा लोग आपको मुंतखब करते हैं और कौमी असम्बली में भेजते हैं तो कौन सी चीज़ है जो आपके जहन में है कि कोई यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई साइंस यूनिवर्सिटी इस इलाके के अंदर कायम करने का आपके दिल में ख्वाहिश हो? बाबा फरीद है तो कोई रूहानियत के हवाले से आपके दिल में कोई मरकज़ कायम करने का इरादा, कुछ है ऐसी प्लानिंग है? नदीम साहब ये आपने पहले नाम ले दिया, मेरा पहला सुई गैस देने का था, मैंने वो वादा किया था। अब इस दफ़ा मैंने वादा किया है लोगों से मैं पाकपटन में यूनिवर्सिटी लेके आऊँगा, वो यूनिवर्सिटी का तो हमारा प्रोग्राम है। बाबा फरीद की मस्जिद का तोसी बहुत अच्छी हो गई है और यहाँ पे जो तालीमात हैं वो बाबा फरीद के हवाले से वो यहाँ पे मिल जाती हैं। हर जुमे पे जो खुतबा होता है उसमें भी हुजूर बाबा फरीद की जो भी उनके साथ मुंसलिक है जो रिवायात उन पे भी बात होती है। अच्छा एक मेरी यहाँ कथा कलामी हो जाएगी लेकिन एक दरख्वास्त है आपसे, आम तौर पर हमारे लोग जो है वो ज़ईफुल इतिकादी, वो आप आई थिंक अंडरस्टैंड करेंगे, सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को हो सकता है। अगर दुनिया में किसी को और सजदे की इजाज़त होती तो अल्लाह ताला उसका हुक्म दे देते। अल्लाह के नबी ने अपनी सुन्नत से, अपनी हदीस से वजाहत कर दी कि सजदा सिर्फ एक ज़ात के लिए और वो अल्लाह ताला है। एक तो उसकी वजाहत होनी चाहिए, उसके कोई तरीक़ाकार को आपके यहाँ बाबा फरीद के श्राइन के साथ ना एक कोई इंस्टीट्यूट कायम होना चाहिए, और दूसरा रूहानियत के हवाले से हमारे कॉन्सेप्ट बड़े कन्फ्यूज़ हैं। हम सोचते हैं कि मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाने से सिर्फ रूहानियत आ जाती है, जो बाबा फरीद की तालीमात हैं, जो हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हैं, वो मखलूक की खिदमत के ज़रिए उन्होंने अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए लोगों की खिदमत करके, कुर्बानी का रास्ता अपना के, फाका कशी करके उससे दीन फैलाया, उसमें उनके अंदर रूहानियत आई। हम उस रास्ते की बजाय ऊपर एक चादर चढ़ा के सोचते हैं कि इससे रूहानियत आ जाएगी, इस पर कुछ काम करिए। मेरी दरख्वास्त है आप इस पर ज़रूर काम करिए। जो भी आपने बातें की हैं ठीक की हैं आपने, जितनी भी की हैं, हम मेरी भी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हुजूर बाबा फरीद की तालीमात को आम करने के लिए यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। अब वो अभी तक हमारी ख्वाहिश ही चल रही है जी, इंशाल्लाह नहीं वो बनेगी। मैं आपको खुद एज ए जर्नलिस्ट कोशिश करूँगा कि आपको सपोर्ट करें, आप इनिशिएटिव लें इसमें। जी मैं इंशाल्लाह लूँगा अपनी, जब भी आने वाला जो इक्तदार का हमारा टाइम है ये मेरी प्रायोरिटी होगी इंशाल्लाह, मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा। बाकी ये जो आपने बात की ना, ये जो मज़ार पे सजदा वो तो गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन ये वो लोग हैं जो हमेशा से जावेदा और ज़िंदा रहने वाले शख्सियात हैं, ये जितने भी औलिया अल्लाह हैं, इन पे जो
अल्लाह ताला की जो इतनी रहमतें हर वक्त होती रहती हैं और लोगों का यहाँ पे जो हुजूम रहता है, लोग इधर अगर आते हैं तो ये एक अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह उनके दिल फेरता है। तो ऐसे बुज़ुर्गों की हस्ती के वो सजदा नहीं करेंगे, हाज़िरी देने ज़रूर आते हैं। और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करनी चाहिए। देखें ना, ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, इनकी खिदमात हैं। वो तो कहें कि मेरे जैसे तो बंदा की हैसियत ही कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने दीन की जो राह अपनाई वो राह अपनाई जो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहदीस से, अपनी अमली ज़िंदगी से, उसवा रसूल से साबित किया। ये उसका नमूना थे ना, उस राह पर चले, तो हमें तो उसी राह को अपनाना है ना। बिल्कुल वही राह जो नबी पाक ने बताई, जो हमारे आइमा कराम ने बताई, जो बुज़ुर्गान दीन की रास्ता थे, हमें उसी पे ही चलना चाहिए। बट ये आपकी बात सही है, इधर लोग मज़हब से दूर भी बहुत हो गए हैं और हमारे उलमा का जो रोल है वो हमारे जितनी भी रूरल एरियाज़ हैं उसमें इनका एक रोल होना चाहिए। उलमा का जितनी भी मज़हब से दूरी ये हमारे देहाती लोगों की है, इसमें उलमा का रोल होना चाहिए, वो नहीं आ रहा सामने। ये मैं हमेशा कहता हूँ, हम जैसे लोग गुनाहगार लोग जो ओपिनियन लीडर्स हैं, हम लोग मेरिट इख्तियार करते हैं अपनी पॉलिटिक्स में। जब मैं फैसला करता हूँ, मैं धड़ेबाजी पे फैसला नहीं करता, मेरिट दिखाते हैं ताकि लोगों को पता चले अखलाकियात क्या होती हैं। और दीन हमारा जो है वो जिस तरह नबी पाक ने बताया, ये उनके फॉलोअर्स हैं, ये उन्हीं के फॉलोअर्स हैं जो वो दीन को आगे लेके चले, हमें भी उसी रास्ते पे चलना चाहिए। अभी आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि हम इक्तदार में आने वाले हैं, आप आर यू कॉन्फिडेंट कि आप इक्तदार में आने वाले? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल पूरा जी, क्योंकि इस वक्त जो हम रिस्पांस जो लोगों की तरफ से मिल रही है, और ख़ास तौर पे आप जिस ज़िले में जिस शहर में बैठे हैं पाकपटन, ये नून लीग के साथ चलने वाला शहर है, आज इसकी पुरानी तारीख है। और अभी भी जब नून लीग का टिकट मिलता है तो लोग आपकी पज़ीराई और उनकी रिस्पांस बहुत ज़्यादा होती है। आप किसको वज़ीर आज़म देखते हैं? मियां नवाज शरीफ जी। अगर नून लीग अक्सरियत हासिल करती है, सादा अक्सरियत या उसके करीब आती है, कुलीशन गवर्नमेंट का भी इम्कान है, तो आप सोचते हैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे? जी जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसलिए कि सेंटर में भी जो सीट्स जो हमारी एक्सपेक्टेड सीट्स एमएनए की हैं वो हमें अंदाज़ा है, जो राना सनाउल्ला साहब ने एक फिगर दिया है। वो फिगर देखें, पंजाब में आपके 141 MNAs हैं टोटल, उनका एक्सपेक्टेड ये था कि जी 100 to 120 MNAs पंजाब से हमें मिल जाएंगे, और पिछली गवर्नमेंट में तो हमारे टोटल MNAs 85 थे, ये तो सिर्फ पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ, तो हमें पंजाब से भी हमें अक्सरियत मिलेगी, ये भी हमें पता है जी। इंशाल्लाह 100 से ऊपर नशस्तें बहुत ही ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन है राणा साहब की, 141 में से 120 नशस्तें, वो तो पूरा पंजाब आप स्वीप ही कर लें तभी हो सकता है। सर ये आप अगर थोड़ा सा साउथ ऑफ पंजाब में भी एक चक्कर लगा लें, मैं लगा रहा हूँ, तो PMLN की रिस्पॉन्स सर आपको नज़र आ जाएगी। अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं जिसके लिए स्पेशली मैंने आपको ये मज़ार की दीवार के साथ बिठाया है, बहिश्ती दरवाजे के बिल्कुल सामने बिठाया, तो ये बातें मेरा दिल यही है कि इसी बहिश्ती दरवाजे के सामने पूछूं, मज़ार के बिल्कुल हाथे के साथ बैठ के पूछूं आपसे, क्योंकि आपकी फैमिली जो है, ख़ुद आपके बड़े भाई खावर फरीद मानिका साहब, बुशरा बीबी आपकी भाभी, उनका बड़ा फेथ है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि यहीं बिठाता हूँ इसी ज़मीन के ऊपर जहाँ बुशरा बीबी खुद आके बैठती हैं, तो फिर मैं आपकी ज़बानी सुनूंगा कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। जहांगीर तरीन साहब से आपकी क्या बात हुई थी? जहांगीर तरीन साहब के पास 2018 के इलेक्शन से पहले? जी जी जी। आप और फारूक साहब गए, आपके छोटे भाई? जी, मैं और फारूक दोनों ही गए थे, और मेरी नीयत ये थी कि मैं क्योंकि PTI में था उस वक्त, फारूक ज्वाइन करना चाहता था, तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस करना था फारूक को भी, और फारूक को मिला दिया, हमारी गपशप, हम तीनों की गपशप हो रही थी। फारूक साहब PTI ज्वाइन करना चाहते थे? आप नून लीग में थे? की बात नहीं है सर, ये उससे पहले की बातें हैं। बात। जी जी, पहले की। तो इस मैं तो PTI में था, फारूक भी आना चाहता था ना, तो ये जहांगीर साहब ने मुझे याद नहीं सर कौन सा टाइम था, क्योंकि उस वक्त ये आई थिंक ये कुछ 14 के धरने के दाएं बाएं के पीछे जो 14-15 के करीब उसी वक्त जी उस वक्त का टाइम है, तो वो तो उन्होंने उसको वेलकम भी कर लिया, उसके बाद वो मेरे से पूछना शुरू हो गए, यार रज़ा आपसे कुछ बातें मैं पूछना चाहता हूँ। मैं कहा जी बताएं, वो आपकी भाभी जो है वो क्या है, वो रूहानियत? मैंने कहा जी वो डेफिनेटली वो और मेरे बड़े भाई खावर साहब, ये दोनों हुजूर बाबा फरीद के मुतक़द हैं,
और बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, उन्होंने इमरान ख़ान भी उनकी वजह से हुजूर बाबा फरीद का डिवोटी हो गया है, तो खान साहब भी उनको मिलने आते हैं घर पे। जब ये बात हुई कि इमरान खान मिलने आते हैं तो तذکرہ हुआ कि वो बीबी के पास जाते हैं, तो आपने क्या बताया कि बीबी क्या करती हैं, कुछ मैं आपसे वजाहत करना पूछना चाहता हूँ इसकी। देखिए दोनों ही क्योंकि डिवोटी थे तो इमरान खान भाई साहब को भी मिलता था आके, और फिर इसके अंदर से वो बुशरा बीबी को भी मिलना शुरू हो गया। अब बुशरा बीबी तो अपनी तन्हाई में इबादत भी करती थी, तस्बीहात जो करती हैं वो अपनी खलवत में इबादत भी करती हैं, तस्बीहात भी करती हैं, तो खान साहब उधर उनको मिलना शुरू हो गए, अपनी दुआ कराने जाते थे उनसे, करा के फिर निकलते थे। दम वगैरह करवाते हैं? जी दम भी होता था, एक दफ़ा कराया था उन्होंने इस्लामाबाद में, जब सबसे पहले मिले थे उनको, उन्होंने दम कराया था जिस वजह से वो मौतकद हो गए थे उनके। अच्छा, दम करवाने से इमरान मौतकद हो गए? दम कराने से, खुद बता, मुझे इमरान खान ने खुद बताया था। इमरान खान ने बात आपको खुद बताई थी कि उनकी कोई ये शिन आगे वाली बोन जो है ना, दौड़ते वक्त उसको बहुत पेन होती थी, तो ये इन्होंने बुशरा बीबी ने दम किया था, तो मुझे ऐसे लगा था जैसे मेरे सर से ना एक बोरी का वज़न हट गया, ये इमरान खान ने खुद मुझे बताया था। जी तो उसके बाद से इमरान खान ज़रा ज़्यादा मुतकद हो गया था। मैं यही समझता हूँ वो तस्बीहात भी करती थी, इबादत ज़्यादा करती थी बीबी, और जो भी वो अचीव करना चाहती थी वो देखें हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो उसको कोई ना कोई बुज़ुर्ग नज़र आ जाए, कोई ना कोई बुज़ुर्ग हस्ती नज़र आ जाए, उसके लिए तस्बीहात करनी पड़ती हैं, अमलियात भी करनी पड़ती हैं और इबादत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हमने ये भाई साहब से कहा था, देखें शरीयत में कोई खातून एक तो पीर नहीं बन सकती, शरीयत में किसी खातून के पास किसी मर्द का इस तरह जाना चाहे दुआ के लिए वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था, इसको भाई साहब को ही मिलना चाहिए था ज़्यादा। ये बात खावर साहब को मिलना चाहिए था, बीबी से मिलना ही नहीं चाहिए ना, कम मिलना चाहिए था अगर, या खावर साहब की मौजूदगी में मिलता, तो वो जब खुद मिलना शुरू हो गए थे अपनी दुआ के सिलसिले में मिलते थे, तो वो फिर अब आपके सामने था, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो अपनी दुआ के लिए आया करते थे बीबी के पास। ये जो दुआ करवाते थे वो इसलिए करवाते थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाए? जी सिर्फ, और कोई उनकी दूसरी राय नहीं थी, वो तो बनना चाहते थे वज़ीर-ए-आज़म, और बीबी ने उनको कहा था कि मेरी दुआ से ही आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो फिर बीबी की दुआओं से वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, फिर बीबी की दुआएं बड़ी पुरतासीर हुई है जी। हम कह सकते हैं बीबी ने तो ये भी कहा था कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तान के फैसले पाकपटन से होंगे, ये बीबी ने कहा था, और हम इसको समझते थे कि आप देख लीजिए बीबी ने क्या बात की है, लेकिन वो बात सच हुई कि वो उनकी दुआ से वो प्राइम मिनिस्टर बना, और वही हुआ कि फैसले पाकपटन वालों के ऊपर हो रहे थे।